नागरिकता बिल पर एकजुट हुआ विपक्ष, सरकार को घेरने के लिए बनाई रणनीति। सरकारी वेबसाइट की सुरक्षा हुई मजबूत, इस साल आधी से कम हुई हैक। रेप कांड के विरोध में संसद के सामने आए आम लोगों का प्रदर्शन, लगाए रेप से आजादी के नारे। उन्नाव पीड़िता को इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाया जाएगा, 90% तक जल चुकी है पीड़िता। दिल्ली में संसद के पास रेप कांड के खिलाफ प्रदर्शन, बेटी को साथ लेकर विरोध जताने पहुंचा युवक। मोदी सरकार के द्वारा लाए जा रहे नागरिकता संशोधन बिल पर विपक्ष एकजुट हो गया है। कांग्रेस, टीएमसी समेत कई विपक्षी पार्टियां संसद और सड़क पर इसका विरोध कर रही हैं। गुरुवार को नागरिकता बिल के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों ने बैठक की और आगे की रणनीति पर चर्चा की। विपक्ष का मानना है कि उनकी कोशिश सही परिप्रेक्ष्य में बातों को लोगों तक पहुंचाना होगा। गुरुवार को संसद भवन में विपक्ष की बैठक हुई, इसमें कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों ने हिस्सा लिया। टीएमसी की ओर से बैठक में डेरेक ओब्रायन शामिल हुए। बता दें कि केंद्र सरकार इस बिल को सोमवार को लोकसभा में पेश करेगी, जबकि मंगलवार को बिल पर चर्चा होगी। चर्चा के लिए 4 घंटे का समय रखा गया है। गौरतलब है कि लोकसभा में तो मोदी सरकार के पास बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। केंद्र और राज्य सरकारें बुधवार को संसद के साथ साझा किए आंकड़ों के अनुसार अपनी वेबसाइटों की हैकिंग को रोकने के मामले में अच्छा काम कर रही है। 2016 से हर साल होने वाली हैकिंग की घटनाओं की संख्या में लगातार गिरावट आई है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की ओर से ट्रैक की गई जानकारी के अनुसार इस साल अक्टूबर तक 48 वेबसाइटों को हैक किया गया था अक्टूबर, जबकि 2018 में 110, 2017 में 172, 2016 में 199 हैक करने की घटनाएं हुई थी। इस मामलों में केंद्रीय मंत्रालयों या विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों की वेबसाइटें भी शामिल हैं। रेप कांड के विरोध में आज संसद के सामने आम लोगों ने प्रदर्शन किया। इन लोगों ने रेप से आजादी के नारे लगाए। 20 से 25 युवाओं का समूह रेप की वारदातों के खिलाफ विजय चौक पर तख्तियां लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों ने पीएमओ में भी घुसने की कोशिश की। तुरंत महिला फोर्स ने उन्हें एक एक कर खींच कर बस में बैठाया और ले गए। इन लड़कियों ने बताया कि सौती मालीवाल के अभियान के समर्थन में है। उन्नाव मामले की पीड़िता की गंभीर हालत को देखते हुए उसे दिल्ली ले जाने की तैयारी की जा रही है। शाम को पीड़िता को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया जाएगा। सरकार ने पीड़िता को इलाज के लिए दिल्ली एयरलिफ्ट करने के आदेश दिए हैं। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर सस्ता साफ कराकर शाम करीब 6:30 बजे पीड़िता को एयरलिफ्ट किया जाएगा। 90% जल चुकी पीड़िता की हालत गंभीर है। पीड़िता के परिवार के साथ अस्पताल के अंदर पुलिस विभाग से ADG और SSP मौजूद है। उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र के हिंदू नगर गाँव की युवती के साथ दुष्कर्म हुआ था। इसके बाद 2 आमजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। युवती इसी मामले की पैरवी के लिए गुरुवार को रायबरेली जा रही थी। गुरुवार तड़के करीब 4 बजे पीड़िता रायबरेली जाने के लिए ट्रेन पकड़ने बेसवारा स्टेशन के लिए निकली थी। तभी गांव के बाहर खेत में दोनों आरोपी और उनके 3 साथियों ने उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। बताया जा रहा है कि आरोपी जमानत पर बाहर थे। दिल्ली में संसद के पास कुछ प्रदर्शनकारी पहुंच गए। रेप कांड के विरोध में प्रदर्शनकारी लगातार नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस के दखल होने पर कुछ युवक हाथ में झंडा लेकर विजय चौक से संसद की तरफ भागे। 20 से 25 युवाओं का समूह रेप की वारदातों के खिलाफ विजय चौक पर तख्तियां लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों ने पीएमओ में भी घुसने की कोशिश की। युवक लगातार नारे लगा रहे थे, रेप से चाहिए आजादी। करीब 25 लड़कियों और महिलाओं का एक समूह विजय चौक पर रेप की वारदातों के खिलाफ तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रही थी। युवक लगातार नारे लगा रहे थे, रेप से चाहिए आजादी। वहीं दिल्ली में संसद के पास रेप कांड के खिलाफ प्रदर्शन करने एक पिता अपनी बेटी के साथ पहुंचा।